नमस्कार भाई दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वीडियो ये 5 मिनट का हो, 7 मिनट का हो या 8 मिनट का हो, 8 मिनट से ऊपर अपना कोई वीडियो होता भी नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर सुनना ध्यान से, पूरा सुनना ध्यान से। एक भी बात अगर छूट गई ना तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या विषय क्या था और क्या बोला गया था, क्या बोला गया था। या आपको सबको पता है दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद कहा हुआ है अपनी खालसा फौज के लिए, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, बिल्कुल कहा हुआ है, ये भी सबको पता। और सिक्खी का सिद्धांत क्या है, सिक्खी का जो मेन सिद्धांत है, जो पहले गुरु, प्रथम गुरु, मानवता के प्रथम गुरु, सिर्फ सिक्खों के नहीं पूरी मानवता के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने कहा था, जो सिक्खी का सिद्धांत था, नाम जपो कृत करो ते बंड छको। अगर इसमें कुछ गलत होता तो आप बता सकते हो, नाम जपो कृत करो बंड छको, ये सच्चे पातशाह पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का ये सिक्खी का सिद्धांत बनाया था, और उसी सिक्खी के सिद्धांत पर चले हुए हैं, चल रहे हैं, सभी सिख चल रहे हैं। आप देख सकते हो, आप कहीं पर भी बाढ़ आई हुई है, उसी हिमाचल में बाढ़ आई हुई है जिस हिमाचल में गाड़ियां तोड़ी गई थी, मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के ऊपर पत्थरों से अटैक किया गया था। अब उन्हीं हिमाचल वालों के आपको सुनवा देंगे जो उन्होंने भाषण दिए थे, उसी हिमाचल का है, वहां पर भी लंगर लेके जा रहे हैं सिख पंथ, वहां पर भी लंगर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, गुरु के सिद्धांतों पे चलते हैं, और इसलिए सिक्खी से सबको प्यार है। प्यार का मेन कारण भी यही है, जो पहले गुरु सच्चे पातशाह ने जो बोला हुआ ना, यही है इनसे प्यार करने का कारण। पूरी दुनिया इसलिए प्यार करती है इनसे, पूरी दुनिया। लेकिन दुनिया में ना भंडी प्रचार वाले लोग भी बहुत होते हैं, जो भंडी प्रचार करते रहते हैं। लेकिन आज एक निहंग सिंह ने जो बातें बोली है ना, मतलब के हरियाणा वाले हो, हमारे को नहीं पता किसी का 56 इंच का सीना होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा 112 इंच का सीना जरूर हो सकता है फूल के, जो निहंग सिंह ने हरियाणा के लिए बोला है, विशेष तौर पर हरियाणा के युवाओं के लिए बोला है, गजब की बातें बोली हैं, गजब की, पूरी सुनाएंगे आपको। वो बातें सुनना, आप सुन के ना आप समझ जाओगे कि कितना प्यार करते हैं। आप इनसे इतना प्यार करोगे ना, ये आपसे इतना प्यार करेंगे कि आप ना दुनिया में समझ ही नहीं पाओगे, ये इनका प्यार इतना है। ये डबल देते हैं, हर चीज़ डबल देते हैं, ये भी याद रखना, हर चीज़ डबल देते हैं, हर चीज़। क्योंकि खुद जिन प्रेम कियो तन ही रब पायो, यही है ना, लेकिन ना कोई बैरी नहीं पैगाना, सगल संग हमको बन आई, ये सिक्खी के सिद्धांत हैं, सिक्खी सिद्धांत हैं ये। अब आपको जो असली बात है ना वो बताएंगे, कृपया करके अंध भगत या जो गंध भगत हैं या जिनको नफरत है सिक्खों से, क्लियर बता रहे हैं, जिनको नफरत है सिक्खों से, वीडियो से यहीं तक सुन के दूर हो जाना, इससे आगे आप सुन नहीं पाओगे, गारंटी अपनी इस बात की, नहीं सुन पाओगे। क्योंकि सिक्खी के सिद्धांत बताए ना, अभी सिक्खी के असली सिद्धांत भी अब बताए जाएंगे, अब असली सिद्धांत बताए जाएंगे। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है, हक सच की बात रखेंगे। और हाँ, जो बातें आज तक हुई है ना वो बातें आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग है ना भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले तो उन श्रीमान जी को ही सुन लीजिए जो अपने हिमाचल वालों ने बोला था, सुनिए क्या बोला था। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझे जरूर करना जी, धन्यवाद। वो गाड़ियां ऐसी मिली जिस पर खालिस्तान के नाम, दो गाड़ियां ऐसी मिली जिस पर खालिस्तानी भिंडरांवाला की तस्वीर लगी हुई थी, हिमाचल वालों ने बोला था, कोई हाथापाई नहीं करी, कोई गाली गलौज नहीं करी, पूरी सुनना पूर्ण तरीके के साथ उनसे वो झंडे उतरवाए और आज यहाँ जनता के समक्ष ला करके उनको पैरों की धूल में रगड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में फूंके। पिछले समय में ठीक है, ये हिमाचल का यही है, ये हिमाचल का ही था, इन्होंने ये किया था। अभी पता नहीं इनको प्रभु श्री राम वाले मंदिर वाले इनके लिए लंगर लेके आए या नहीं आए, लेकिन हाँ वो सिख जथेबंदियां जरूर पहुंच गई। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। सबके अपने निजी विचार होते, सुनना आज जे तुसी
कौम नूं प्यार करदे हो, इस पंथ नूं प्यार करदे हो, ते तुहानूं उस मरजीवड़े रूह दे नाल वी प्यार होना चाहिए जिन्हें साडे वास्ते जिन्हां ने कुरबानियां कीतियां, ते अज साडी होंद जिहड़ी आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੱਕੜ ਖੱਟਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਟੋਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਜਾਬਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਮੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਹ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਉਸਮੇ ਲੈ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਤ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਥੇ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਥਾ, क्योंकि वो उनके साथ रहे थे, वो उनके साथ रहे थे संत जी के साथ, 5 दिन तक रहे थे 84 वाला वो होने से पहले, 5 दिन तक उनके साथ रहे थे। उनके विचार आपको कई बार सुनवा भी चुके हैं, आपको ना एक बार नहीं कई बार सुनवा चुके हैं, और नहीं तो ना आप देख सकते हो यही वो सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने बोला था। मैंने कहा मैं तो हथियार देखने के लिए गया ही नहीं, मैंने तो बातचीत कुछ बातचीत से कुछ सुलझे उसके लिए गया, तो इसीलिए हथियार क्यों मैं देखने के लिए जाऊं। वो तो देखे वो बड़े सीधे संत जी, बहुत सीधे थे ये दुष्ट सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी देखकर भेजते थे और जान बुझ कर तोड़ कर मरो के बोलते थे। मुझसे एक बात पूछा कि आप बिंदे वाले के साथ 5 दिन रहे और आपने हथियार देखा, ये आपने इनका पूरा इंटरव्यू सुना हुआ है, पूरा इंटरव्यू देखा भी हुआ है सुब्रमण्यम का। आजकल इनका एक इंटरव्यू और वायरल हो रहा है जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोला हुआ है, प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोला है, वो इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है आजकल, बहुत वायरल हो रहा है जो सुब्रमण्यम ने बोला। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने अपने शब्दों में बताया था कि संत जी संत थे। लोग अपनी क्या क्या राय रखते हैं, राय आप भी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन एक तमीज़ का एक लिमिट का दायरा होता है, क्योंकि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था अगर दुश्मन भी सामने है तो उनको भी खालसा जी करके बोलते थे, कभी ये नहीं कहा कि हमारा दुश्मन है, मैदान में आने के बाद दुश्मन होता था, नहीं तो सबको पता है कभी किसी को दुश्मन नहीं समझा इन्होंने, कभी दुश्मन नहीं समझा इन्होंने, हमेशा मानवता की भलाई के लिए हथियार उठाए हैं, कभी किसी से युद्ध जीत के उनके शासन को हड़पने के लिए कभी हथियार नहीं उठाया सिखों ने, ये भी एक बड़ी खासियत रही है इनकी, बड़ी खासियत हमेशा से खासियत रही है। लेकिन जो निहंग सिंह ने बोला, निशान साहब के बड़े बड़े आप बैनर लगाओ, झंडे लगाओ, ताकि उनको पता लगे, पता लगे भाई तुम्हारी सेवा करने के लिए कौन आए हैं, कौन आए हैं, क्योंकि ये जो एक चलाया हुआ ना प्रोपगंडा, जराइम पैसा, आतंकवादी, बतंगवादी, जो ये बोला जा रहा है, ये दूर हो सके, इस बारे में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। और हाँ, वीडियो को देखते आज कितने शेयर करेंगे, अब ये देखना है वीडियो को शेयर कितने करते हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर दे रहे हैं, 9518883630, 9518883630। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।